I killed her. I killed Aanchal. She's dead. Her innocent daughter Arya will also be dead soon. I'll kill her in 12 hours. Oh my God. 12 बजे. हाँ यार राइट. क्या यार एटलीस्ट वीडियो बना के अपलोड तो करते. We wanted to see it. See you in hell, darling. ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग? आंचल आंटी, आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है क्या? आंचल आंटी, आपके अकाउंट से ये सब कौन लिख रहा है? Are you okay? अरे ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दरवाजा क्यों खुला है? आंचल आंटी, आर्या, आंचल आंटी, गॉड, आंटी आप भी इतना खतरनाक मजाक करती है, सुबह सुबह मेरी नींद उड़ा दी। आर्या कहाँ है? आर्या, पंकज सर विक्टिम का नाम आंचल है सर। वो 50 साल की है, उनकी एक बेटी है आर्या, वो 25 साल की है सर। खूनी ने आंचल जी को मार के आर्या को किडनैप कर लिया सर। बाहर एक वॉचमैन है, उसने ये कहा है कि उसने कोई अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, मगर सर रात में 1-2 बार नींद लग गई थी तो मिस कर दिया होगा किसी को। ये इतनी सारी दवाइयाँ सर, घर के कोने कोने में दवाइयाँ, मतलब घर में कोई सीरियस पेशेंट है सर। ये आंचल जी और ये आर्या। एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। ये लड़की तो काफी बड़ी लग रही है, बच्चों की फैंटेसी बुक कौन पढ़ता है यहाँ पे? सर इस बुक की पूरी सीरीज है यहाँ पे। बॉडी का चलिए चाकू मारा है? हाँ चाकू से, और वो भी एक बार नहीं कई बार। अभिजीत इस खून में 2 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने सर? हाँ ये देखो, ये इनके हाथ पर ये उंगलियों के निशान। एक ने इनके दोनों हाथों को कस के पकड़ के रखा और दूसरा इन पर चाकू से वार करता रहा। बेचारे नींद में मौत हो गई इसकी। नींद में? इनके शरीर पर कहीं भी किसी किस्म का कोई खरोंच का निशान ही नहीं है, और इनकी मौत हुई कल रात को 12 बजे। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलेगा? नहीं अभिजीत, ये दोनों खूनी बहुत होशियार हैं, कहीं कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने आंचल और आर्या के सोशल प्रोफाइल पे ये अपडेट किया कैसे सर? हाँ आंचल और आर्या के लैपटॉप से, दोनों यही लैपटॉप यूज करते थे। अरे मगर पासवर्ड कैसे मिला उन्हें? पासवर्ड इसमें सेव था। उन्होंने मैसेज किया था कि वो लोग आर्या को 12 घंटे के बाद मारेंगे, यानी कि दोपहर को 12 बजे। तो 4 घंटे बचे। वो आर्या की जितनी भी दवाइयाँ, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ले लो, उसको ढूंढने में काम आएंगे। उन्होंने फोन किया था सर? आपने फोन किया था? जी सर। कब से जानते हैं आप आंचल और आर्या को? सर 5 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। आंचल आंटी जैसी माँ मैंने लाइफ में नहीं देखी। इससे क्या मतलब है आपका? सर आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लुकेमिया, एपिलेप्सी, एस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रफी, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो। वो तो अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती, खाना भी फीडिंग ट्यूब से खाती है। आर्या की बचपन से मेंटल ग्रोथ बहुत अबनॉर्मल है। वो है तो 25 साल की, लेकिन बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। वो हर चीज़ के लिए आंचल आंटी पर डिपेंडेंट थी, और आंचल आंटी, उन्होंने जो आर्या के लिए किया है वो शायद ही कोई माँ कर पाए। वो एक नर्स थी, लेकिन उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया आर्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए। आर्या का ट्रीटमेंट, उसका देखभाल, सब कुछ आंटी अकेले ही मैनेज करती थी। उनके पास कोई हेल्प नहीं था। क्यों फैमिली में कोई और नहीं था क्या? उनके हस्बैंड? सर, आंचल आंटी का डिवोर्स बहुत साल पहले हो गया था, और उनके हस्बैंड ने उन्हें ₹1 भी नहीं दिया आज तक। सारे बड़े बड़े बिल्स, सारा खर्चा आंटी अकेले ही उठाती थी। आपने कहा आंचल ने नौकरी छोड़ दी थी, तो फिर ये सब बिल्स वगैरह एक कैसे भरते थे? चैरिटी और डोनेशंस, इसके अलावा आंचल आंटी के पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे क्या सर, ऐसे इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सर सर, मैंने आंचल और आर्या का सोशल प्रोफाइल चेक किया। सर, ये लोग इंटरनेट पर काफी फेमस है, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, जैसे सेलिब्रिटीज के होते हैं। और सर, काफी लोग इनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, लोग इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। सर, जैसे आर्या का कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो फैंस और फॉलोअर्स दिल खोल के पैसे डोनेट करते हैं। ओह, ये सब शायद इसी चक्कर में हो रहा है। किडनैपर्स ने आर्या को किडनैप किया है, और वो सोच रहे हैं कि अब उसकी फिरौती के पैसे ये फैंस लोग देंगे। लेकिन फैंस से फिरौती मांगेंगे कैसे? सोशल मीडिया पे तो मांग नहीं सकते। और सर, किस किस को फोन करेंगे, कहाँ फोन करेंगे? हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल। पता करो ये कॉल कहाँ से है, इसकी डिटेल्स निकालो। सर, हमें जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ट्रेस करना होगा, और उन्हें कुछ ऐसा लालच देना होगा कि पैसों के लिए वो हमें फोन करें। वो कैसे करेंगे सर? मेरी आर्या के किडनैपर से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आर्या एक मासूम बच्ची है जो अपने माँ के बगैर बिल्कुल अकेली हो गई है। उसको मार के, उसको नुकसान पहुँचा के आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए प्लीज़ उसको छोड़ दो। आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो CID पूरी करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज़ आप पे भरोसा रखिए, हम कोई चालाकी, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप जब चाहें हमसे सीधे बात कर लीजिए। स्क्रीन पर CID का नंबर है, हमें आपका फोन का इंतजार है। क्या हुआ अभिजीत, किडनैपर का कोई फोन? अभी तक तो नहीं सर। सर हाँ, 100 फोन आ गए अब तक, लेकिन उनमें से एक भी असली किडनैपर का नहीं है। मतलब सर, न्यूज में सबने देखा कि पैसे हम लोग देने वाले हैं, तो जो भी फोन कर रहा है किडनैपर बन के फोन कर रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं सर। अगर उनसे पूछो कि आर्या से बात करो या फिर कोई प्रूफ दो, सीधा फोन काट दे रहे हैं। आर्या की पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुई है, वो तो आर्या को मार डालेंगे अगर उनको रोका नहीं गया तो। और कुछ पता चला? सर, मैं आंचल और आर्या का प्रोफाइल पेज चेक कर रही हूँ। सर, जब से उनके फैंस ने ये न्यूज़ देखी है किडनैपिंग वाली, तब से नॉनस्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं। सर, कुछ लोग तो किडनैपर्स को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, और कुछ ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है सर, गो फंड मी, जिसमें कोई भी लॉग इन करके जितना चाहे डोनेशन दे सकता है। सही में लोग बहुत प्यार करते हैं आर्या को। अच्छा, कुछ अजीब सा लगा तुम्हें पेज पर, सोशल पेज पर? सर, आंचल और आर्या के लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अगर 20-50 अच्छे मैसेजेस हैं, तो एक आध मैसेज गुस्से वाला भी है। सर, बस उन्हीं मैसेज में कोई धमकी वाला मैसेज है या नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। फिर भी अभिजीत, लगता नहीं ये खुद सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। जिस तरह से खुली ने आंचल को मारा है ना, लगता है उसको बदला लिया है उसने। सर, अब हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो जो दोनों से नफरत करता था। सब फिलहाल मेरे ध्यान में बस एक ही नाम आ रहा है। कौन? करण, उनका हस्बैंड। करण? आंटी ने मुझे बताया था कि करण उनके साथ बहुत झगड़ा करता था, मारपीट और शोर शराबा भी करता था, इसीलिए तो आंचल आंटी ने उन्हें डिवोर्स दिया था। अब करण ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी? जी सर, किसी प्रिया नाम की लड़की से। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर, आंटी ने ही मुझे बताया था। इनफैक्ट करण और प्रिया ने कोर्ट में केस फाइल किया था आर्या की कस्टडी के लिए, लेकिन वो लोग केस हार गए और आर्या की लीगल कस्टडी आंटी को मिल गई। आंटी बता रही थी कि केस हारने के बाद करण गुस्से से पागल हो गया था और शायद इसी गुस्से में उन्होंने आंचल जी को मार दिया। बिल्कुल हो सकता है। अभिजीत, तो पता लगाओ तो ये करण और उसकी नई पत्नी अपनी नई जिंदगी कहाँ जी रहे हैं? कहाँ है आर्या? हैं? आर्या कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? आर्या मेरे पास नहीं है। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा है उसको? आंचल के खून में इस प्रिया ने तुम्हारा साथ दिया था या किसी और की मदद ली थी तुमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आंचल को क्यों मारूंगा और मैं अपनी बेटी आर्या को क्यों किडनैप करूंगा? नाटक मत करो, समझे? आर्या की कस्टडी तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम गुस्से से पागल हो गए, इसलिए तुमने आंचल का खून कर दिया। व्हाट नॉनसेंस! मैंने आंचल को नहीं मारा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, जब मेरा आंचल से डिवोर्स हुआ था आर्या सिर्फ 6 महीने की थी। इतने सालों बाद मैं क्यों मारूंगा उसे? और वैसे भी आंचल मेरा पास थी जो मैं कब का भूल चुका था। इनफैक्ट केस हारने के बाद तो मैं खुश था क्योंकि मुझे आर्या की कस्टडी चाहिए ही नहीं थी, प्रिया को चाहिए थी और प्रिया ने ही मुझे केस फाइल करने को कहा था। अच्छा, कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। जब करण तैयार नहीं थे तो आर्या की कस्टडी आपको क्यों चाहिए थी? सर, आपको तो पता ही होगा आर्या की मेंटल और फिजिकल कंडीशन के बारे में। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है और मुझे लगा मैं और करण उसका बेहतर ख्याल रख सकेंगे। आर्या की सगी माँ होते हुए आप उसकी सौतेली माँ उसका बेहतर ध्यान रखती। मैं दूसरे सौतेली माँ की तरह नहीं हूँ, मैं उसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। जो बातें आर्या अपने माँ से नहीं कर सकती वो हमें आके बताती थी। किस तरह की बातें? अपनी पर्सनल सीक्रेट्स जो हर टीनेजर की जिंदगी में होती है। जैसे कि? सर, जैसे कि 5 महीने पहले आर्या हमसे मिलने आई थी। I love you too. किसको किसेस दिए जा रहे हैं? नहीं, कोई भी तो नहीं है। पर मैंने तो देखा। बताओगी नहीं मुझे? प्लीज बताओ। पर आप मम्मा को मत बोलना, वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। नहीं बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहेगा। बोलो ना। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वाव! तुमने कभी बताया नहीं? कहाँ मिले तुम लोग? ऑनलाइन चैट पे। ऑनलाइन चैट पे? नाम क्या है उसका? नहीं, और नहीं बताऊंगी। नहीं, बस इतना ही। ये बात तो उसने आंचल को भी नहीं बताई थी। और जब पता चला तो तुम लोगों ने क्या किया? वैसे भी आर्या की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाती तो प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों रोकूं उसे? और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड उससे ऑनलाइन चैट करता था। बेचारी कौन सा उससे मिलने जाने वाली थी? व्हीलचेयर से उठ पाती तभी तो चलती ना। आर्या चल के नहीं जा सकती थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो चल के उसके पास आ सकता था। ये नहीं सोचा आप लोगों ने? आपको तो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चैट्स पर कैसे कैसे साइकोपैथ्स होते हैं जो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिर भी आपने आर्या से पूछने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगता है ये सब किया धैर्य उसके बॉयफ्रेंड का है। आर्या के घर में घुसा, आंचल का खून किया और आर्या को लेकर निकल गया। आप लोगों को कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? जी सर। सर, इस बॉयफ्रेंड का पता करना चाहिए। आई एम श्योर उसी से कोई लीड मिलेगा। करेक्ट। पंकज, आर्या का कोई बॉयफ्रेंड है जो रेगुलरली उससे ऑनलाइन चैट करता था। उसका लैपटॉप चेक करो, पता तो करो कौन है ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सर, आर्या ने एक और आईडी बनाया था सर, प्रिंसेस नितारा के नाम से। आर्या के दो अकाउंट है सर, एक उसका कॉमन अकाउंट अपनी माँ आंचल के साथ और दूसरा सीक्रेट अकाउंट। इसी अकाउंट से वो चैट करती होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए शायद सर आंचल जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सर ये इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड ही ट्राई करो, PASSWRD। सर आई लव नितारा टाइप करके देखो सर। करो आई लव नितारा। पंकज आई लव प्रिंसेस नितारा ट्राई करो। खुल गया सर। अब आर्या के चैट्स में जाओ और देखो कौन है वो लड़का जिसके साथ ये चैट करती थी। उस लड़के की आईडी है Rock Z 999। ये तो इसका असली नाम हो ही नहीं सकता। तो देखो तो और कुछ मिलता है क्या उसके बारे में? सर इस पेज पे सिर्फ फोटोग्राफ्स ही हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। पंकज आर्या के सारे चैट्स पढ़ो, सारे के सारे देखो क्या बात करती थी उस लड़के के साथ। तब तक मैं जरा उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड रिपोर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और किस किस के पास गई थी लड़की? साइकियाट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। माय गॉड, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। सर ये शुरुआत के 2-3 महीने तो सर ये सिर्फ अपने आप को फीलिंग्स बता रहे थे कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में जब हाँ हो गई तो आर्या ने आइडिया दिया कि हमें कोड लैंग्वेज यूज करना चाहिए। कोड लैंग्वेज तुम क्रैक कर सकते हो उसके कोड? सर कर तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। मतलब महीनों की चैट्स है, सारी चैट्स पढ़नी पड़ेगी, फिर एक पैटर्न निकालना पड़ेगा और सर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो या नहीं। ये बात तो है, पर फिलहाल तो हमें उसके बॉयफ्रेंड रॉक Z 999 के बारे में पता लगाना है। सर देखो तो इस रॉक Z 999 के बारे में कुछ नोट्स है क्या, फोटोग्राफ है क्या? सर इसके फोटोग्राफ तो बहुत सारे हैं। सर एक चीज कॉमन आ रही है सर यहाँ, ये बिल्डिंग सर। यस पंकज, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो ये कौन सी बिल्डिंग है? सर मैं इमेज सर्च करके देखता हूँ बिल्डिंग की। सर JJNG कॉलेज। सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। इसे जानते हो आप लोग? CID। हाँ हाँ 2 मिनट सर, फोन पे है। इधर आ जाइए आप। I'll be done in a minute। नहीं, अरे बस वाइफ और बच्चों के साथ गया था सर, बहुत अर्जेंट है सर। या एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये क्या बदतमीजी है कौन आप लोग? सॉरी सर हम लोग CID से हैं, किसी की जिंदगी का सवाल है। ये लड़का आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, इसने एक औरत का खून किया है और उसकी लड़की को लेकर फरार हो गया। अरे ये तो राकेश है। आई एम नॉट सरप्राइज। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है। पूरे कॉलेज में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जिसको इसने परेशान न किया। पता नहीं कितने सालों से फेल हो रहा है ये। सर आप बता सकते ये कहाँ मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि राकेश बिगड़ा हुआ है, नकचड़ा है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। सर, आप अपने बेटे को इतनी अच्छी तरीके से जानती है और आपको पता ही नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है और उसी लड़की की माँ का किसी ने खून कर दिया। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि राकेश ने खून नहीं किया है। वो बहुत ही सीधा लड़का है। हाँ, कभी कभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। राकेश अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूंगी। मॉम, क्या कर रही हो? कहाँ थे पूरी रात? फ्रेंड के घर पे। क्या कर रहे थे वहाँ पर? ग्रुप स्टडी कर रहा था। लेकिन इस टाइम आप क्यों पूछ रही हो? इस साल पास तो कर जाओगे ना। इस चीज का इस टाइम क्या लेना देना मॉम? थक चुकी हूँ तुम्हारे पापा से झूठ बोल बोल के और तुम्हें बचा कर। अगर इस बार फेल हुए ना तो उनसे खुद ही बात कर लेना। उसे पता नहीं है, पर मुझे हर वक्त पता होता है कि वो कहाँ होगा इस वक्त। तो कल रात वो कहाँ था? एजी रोड पर। रात को कुछ 12 बज रहे होंगे। वहीं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। उसके बहुत सारे दोस्त एजी रोड पर रहते हैं। आंचल, जिसका खून हुआ है, वो भी एजी रोड पर रहती थी। सर, हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और जुर्म करे। आप अपना मोबाइल देखिए, बताइए इस वक्त कहाँ पे है वो? वो भी इस वक्त हमारे कंपनी के गोडाउन में है। लेकिन वो गोडाउन तो अभी बंद है सर, इसीलिए वो वहां पे गया है। गोडाउन कहाँ है आपका? रिलैक्स। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो किसने किया? वो राकेश और शौर्य ने किया। वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उन लोगों ने बांधा मुझे। क्यों? किसने? क्योंकि राकेश बोल रहा था कि न्यूज़ में सब आ गया है, तो उसने कहा कि इसको छोड़ देते, और शौर्य कह रहा था कि नहीं, इसको मार देते। तो वो लोग ना लड़ने लग गए और बहुत सारी मारपीट की। अभी सडनली 2 मिनट पहले आवाज बंद हो गई। अभी कहाँ इस वक्त? वो शायद उस तरफ गए। तुम यहीं रहो इसके साथ, हम देखते हैं। सर, ये शटर खोलो। सांसें बंद हो गई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। बॉडी अभी भी गर्म है। मतलब सर, शौर्य आसपास ही कहीं होगा। सर, बाहर तो कोई नहीं सर। पंकज, तुम यहाँ देखो, लाश के आसपास कुछ मिलता है क्या? लगता है शौर्य भाग गया। आर्या से पता चल सकता है। तुम बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर पंकज, फोन। कुछ मिला सर? ये मर्डर वेपन मिला सर। सर ये मोबाइल मिला है, मैंने इसे राकेश के अंगूठे से अनलॉक कर दिया है। इसमें शौर्य का नंबर जरूर होगा सर। अब तक तो हम राकेश को खुली समझ रहे थे। मुझे तो लगता है ये सारा प्लान शौर्य का है। एक काम करो, तुम दोनों ये फोन लेके ब्यूरो जाओ और इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स और चैट हिस्ट्री है सब चेक करो। हाँ, अभी भी शॉक में है, बुरी तरह स्ट्रेस में आ गई बेचारी। फिक्र करने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसे ट्रॉमा से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। हमें कुछ सवाल पूछने थे उससे, लेकिन क्या वो जवाब दे पाएगी? उसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अगर बात करके देखिए, अगर जवाब दे पाती है तो वेल एंड गुड। आर्या कैसा फील कर रही है? उतना नहीं, देख लो। हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है, क्या आप हमसे बात कर सकेंगे? नहीं, अगर तुम नहीं चाहो तो हम बाद में आ सकते हैं। नहीं, आई कैन टॉक। आर्या, कल रात को क्या हुआ था बता सकती हो? मैं रात में ना मेरे कमरे में सो रही थी और सडनली मेरी मम्मा की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा, 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 आलिया। मैं राकेश को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। वो बहुत अच्छा वाला दोस्त, प्यार करती थी मैं उससे, और उसने मुझे धोखा दिया। उसको ना लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा। उसने मेरी मम्मा को भी मार दिया। इससे सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ। आर्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा को। आर्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। इसमें तो गलती राकेश की है। मेरी गलती है। आर्या, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा मरी। नहीं, मेरी वजह से मम्मा मरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है। सर मुझसे तो बेचारे की कंडीशन देखी नहीं जाती। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है इसे। एक दिन जूझ रही है जीने के लिए, लड़ रही है जिंदगी से, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ही तकलीफें हैं। सर अब शौर्य का क्या करें? सोचा था आर्या से रिक्वेस्ट करेंगे कि शौर्य के बारे में बता दे तो स्केच बन जाता, तो लगता नहीं इस हालत में है वो। अभी शौर्य को हमें ढूंढना होगा सर, और वो भी जल्दी से जल्दी। पता नहीं कि शौर्य और क्या प्लान बना रहा है। पंकज, हाँ पंकज, कुछ मिला राकेश के फोन से? हाँ सर, ये राकेश के कांटेक्ट लिस्ट में कोई भी शौर्य नाम का आदमी नहीं है सर। क्या? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मगर उसके सोशल प्रोफाइल में 3 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम शौर्य है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, कुछ पता किया उनके बारे में? हाँ सर, उनमें से एक शौर्य है जिससे राकेश लगातार बात करता है सर, और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ओके, कांटेक्ट किया उससे? नहीं सर, मुझे लगा कि वो चौकन्ना हो जाएगा, मगर सर्विस प्रोवाइडर से उसकी लोकेशन निकाल लिया सर। क्या बात है पंकज, वेल डन। कहाँ पे है इस वक्त वो? सर उसकी फोटो और लोकेशन मैं दोनों आपको आपके सेल फोन पे भेज रहा हूँ सर। भेजो, जल्दी भेजो। ओके ओके सर, शौर्या का पता चल गया है। अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ गई है। ए, क्या है? खड़ा जा। ए, शौर्या कौन है? ए, ए, रख। रुक जाने तो गोली लग जाएगी। सर गोली बस चलाना सर, प्लीज। सर कहाँ भाग रहे हैं सर? आप अकेले मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर? मैं अकेले तो जुआ नहीं खेल रहा था ना वहाँ पर। खून तो तूने किया है ना? खून? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है सर। ये ड्रामा बंद कर, समझा? आंचल और राकेश के खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर सर कौन आंचल सर, कौन राकेश, कौन है ये सब लोग? सर मैं नहीं जानता है ना सर, कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। ज्यादा पी रखी है? अपने दोस्त राकेश को भूल गए? तुम्हारा इंटरनेट फ्रेंड जैसे तुम लगातार चैट करते थे, जिसका अभी अभी तुमने खून कर दिया थोड़ी देर पहले। सर राकेश, पर सर मैं उसको कैसे मारूंगा सर? सच में आज तक हम मिले नहीं, हम तो सिर्फ इंटरनेट फ्रेंड्स हैं। सर देखिए, मैं सर पूरी रात यहीं पे था सर। आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो सर। हाँ, जुआरियों से खूनी के लिए अब गवाही लेंगे हम लोग। सर प्लीज सर, देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आप चाहो तो सर मेरा फोन चेक कर दो। सर मैं यहाँ पर रात में जुआ खेल रहा था, जुए में सब कुछ हार गया, तो सोचा कि जब तक वापस सब जीत नहीं जाता तो यहीं रहूंगा। मैं सर यहाँ से उठकर कहीं बाहर भी नहीं गया। सर 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 बात तो सुनिए सर। आर्या की चैट से कुछ पता चला, कुछ मिला? हाँ सर, हमने कोड लैंग्वेज तो डिकोड कर लिए सर। बहुत सिंपल है, राकेश और आर्या दोनों एस लैंग्वेज और पी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ सर, इसमें हर वर्ड के पीछे या आगे ऑल्टरनेट एस या पी लगा के टाइप करते हैं, ताकि पढ़ने वाले को कुछ समझ में ना आए। ये तो आर्या की स्टोरी बुक से है ना? हाँ सर, एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। सर सोच रही हूँ ये हॉस्पिटल भिजवा दो, आर्या का मन लगा रहेगा। हाँ वैसे उसकी जो साइकियाट्रिस्ट है उसे बुलाया हमने, कोई केस समझानी पड़ेगी उनको ताकि उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, आपको आर्या की पूरी केस की जानकारी है, जरा इतना बताइए कि क्या उन ट्रीटमेंट के दौरान आर्या ने कभी जिक्र किया था कि उसकी माँ को, मेरा मतलब है आंचल को, कोई परेशान कर रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है, ऐसे कुछ? वैसे मैं हूँ तो आर्या की साइकेट्रिस्ट, लेकिन जब भी मैं उसके साथ सेशन करती थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ कम और उसके मदर को ऑब्जर्वेशन करने में ज्यादा रहता था। आंचल को क्यों ऑब्जर्व करती थी आप? क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि ऑटोमेटिकली मेरी नजर उनके ऊपर चली जाती थी। क्या मतलब? क्या क्या होता था? वैसे शुरू में मैं श्योर तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने आंचल का बिहेवियर नोट करना शुरू किया तो मैंने इसकी फाइल बनानी शुरू की, और एट द एंड मेरा अंदाजा सही निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा? आंचल का केस बहुत ही यूनिक था, वो मंचौसन बाय प्रॉक्सी की शिकार थी। मंचौसन बाय प्रॉक्सी? सर ये देखिए। सर हमने आर्या और राकेश की सारी बातें डिकोड कर ली है। सर ये आपको देखना चाहिए एक बार। ये अलार्म पर यहाँ बात, ये दुआ क्यों आ रहा है? ये लोग भाग क्यों रहे? नर्स! डॉक्टर! नर्स! नर्स! हेल्प! हेल्प मी! अरे रुको, कोई तो हेल्प करो! नर्स! नर्स हेल्प! डॉक्टर! नर्स नर्स नर्स! ये बाहर क्या हो रहा है? लोग भाग क्यों रहे? हॉस्पिटल में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। आग? लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो मैं ना चल नहीं सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अरे लेकिन मैं कैसे बाहर निकालूं? यहाँ पर तो कोई व्हीलचेयर भी नहीं दिख रही है और मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगी, उठा नहीं पाऊंगी। सुनो तुम किसी को बुला के लाओ ना, वो मेरी मदद से मुझे उठा के ले जाएंगे। किसको बुलाओ? यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सब अपनी अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं। तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूं? देखो मुझे जल के नहीं बनना है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। बिल्कुल सपने दो। तुम कर क्या रही हो नर्स? सुनो सुनो मेरी बात, फायर ब्रिगेड वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे, तुम यही रहना, कहीं मत जाना, उनका वेट करो, वो लोग आके तुम्हें बचा लेंगे। ओके, डोंट वरी। अरे लेकिन, अरे डोंट वरी क्या? हेलो, हेल्प मी! ओए! बाहर कैसे निकलूं? फायर ब्रिगेड वालों का वेट किया तो यही मर जाऊंगी जल के। नहीं नहीं, मुझे कुछ आर्या, तुम्हें तो मसल डिस्ट्रॉफी है ना? आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकेमिया, एपिलेप्सी, एस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो। तो फिर तुम ये भाग कैसे रही? अरे रे 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 रे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट तो ठीक से चल भी नहीं पाते। लेकिन आर्या तो भाग रही है सर, इतनी जल्दी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। वाकई चमत्कार हुआ। लेकिन और एक चमत्कार मैं बताऊं, आर्या को कोई बीमारी नहीं थी, आर्या के पैरों में ना कोई तकलीफ थी, ना उसे कुछ हुआ था, ना अस्थमा, ना ल्यूकेमिया, ना एपिलेप्सी, कुछ नहीं। बीमार तो बेचारी की मां थी, मंचौसन बाय प्रॉक्सी। क्या हुआ? ये बीमारी के बारे में पता नहीं आपको? नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डॉक्टर है ना, वो तुम्हें बताएगी। मंचौसन बाय प्रॉक्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट सामने वाले को बीमार समझता है, खास करके अपने करीबियों को, और इसका विश्वास आंचल ने सभी को बहुत अच्छे से दिलवाया था, आर्या को भी, कि वो बीमार है। जब लोग आर्या को बीमार समझकर उसे अटेंशन देते, उसे प्यार देते, तो आंचल को बहुत मजा आता। अब उसे भी इस प्यार की और अटेंशन की आदत पड़ गई। अब बस वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग उसकी तारीफ करें, कि वो कितनी अच्छी माँ है, आर्या का कितना ध्यान रखती है और उसे कितना प्यार करती है। आर्या को कोई बीमारी थी ही नहीं, उसकी माँ आंचल ने उसे बीमार बना दिया दुनिया की आंखों के सामने। उसका सिर मुंडवा दिया, उसे धूप में जाने से रोक दिया ताकि वो और कमजोर बने, उसे छोटे बच्चों जैसे बातें करने पर मजबूर किया, उटपटांग दवाइयां देकर उसे और भी बीमार कर दिया। लेकिन इस सब में आर्या ने अपनी माँ का साथ दिया था। वो जानती थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है। क्यों? मैं सच कह रहा हूं ना? तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया आर्या, और तुम्हारी वो कोड लैंग्वेज वाली चैट हिस्ट्री, वो हमने डिकोड कर लिया। तो अपनी एनर्जी और हमारा टाइम वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। जो कुछ बोलना है बोल दो। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत टाइम तक मैं ये मानती रही कि मैं सच में बीमार हूं, कि जब मुझे सच पता चला that I'm not sick, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मॉम से दूर हो जाऊंगी, वरना वो इसी तरह मुझे अनवांटेड दवाइयां, अनवांटेड इंजेक्शंस देकर मार देती, और वो मुझे मारे। इससे पहले मैंने उनको मार दिया, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता था आर्या, रास्ता था, तुम हमारे पास आ सकती थी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते। सर, ये भी सोचा था कि मैं कंप्लेन लिखवाऊंगी, लेकिन कैसे? मेरी माँ ने इस हद तक सबको यकीन दिला दिया था कि मैं इतनी बीमार हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, कि मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मेरी कोई बात ना सुने, यकीन ना करे। ऐसे हाल में मैं किससे हेल्प मांगती? मैं जान गई थी कि ऐसे में तो मुझे बचाने के लिए कोई हीरो आएगा नहीं, इसलिए मुझे खुद का हीरो बनना पड़ा, खुद को बचाना पड़ा और मार दिया अपनी माँ को। मैंने सबसे पहले फेक प्रोफाइल बनाया और महीनों तक राकेश के साथ चैट करती रही। आखिर वो मेरे बातों में फंस गया और उसने हाँ कह दिया मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद मैंने और राकेश ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। काम हो जाने के बाद मैंने हमारे सोशल पेज पे वो पोस्ट अपडेट किया था। उसके बाद हम राकेश के गोडाउन पहुंचे। उनको पुलिस ने पकड़ लिया तो अब क्या करेंगे? कहीं वो हम तक पहुंच गए तो? डोंट वरी, पुलिस मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएगी। मतलब हमें उस चाकू पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे जिससे तुमने राकेश का खून किया। हम सब तुम पर तरस खाते थे, ये सोचकर कि कितनी बहादुर बच्ची है, ऐसी हालत में जिंदगी के साथ जूझ रही है ये जीने के लिए। मगर नहीं, अब तो तुम पर तरस इसलिए आता है कि काश तुम ये जुर्म का रास्ता ना अपनाती और काश अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.